हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमी रसोई। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। आज बनाई है मैंने कोफ्ता करी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना इसे बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल देते हैं और इसमें जो हमारे पास खड़े मसाले हैं वो डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। टमाटर और प्याज को काट के ले लिया है, टमाटर से थोड़ा सा कम रखेंगे प्याज को। लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा है उसे भी काट के ले लिया है। 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं जो कि लाल हो गई हैं। थोड़ी सी मूंगफली और काजू डाल दिए हैं, काजू थोड़े थे इसलिए मैंने मूंगफली डाल दी है। हरे धनिया की पत्तियाँ और थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट होते हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसे बीच में देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पानी डाल दिया है। लौकी को छील लिया है, अच्छे से धो लिया है, फिर हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। सारी लौकी है वो ग्रेट कर ली है हमने और इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। पानी है वो नहीं रहना चाहिए, जितना हो सकेगा उतना हम अच्छे से इसे निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया है हमने और जो लौकी का पानी निकला है रस, वो हम इसी की करी में यूज़ करेंगे, जो करी हमने बनाई है उसी में। उसके बाद इसमें बेसन डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी, मिर्च पाउडर, सेहत और स्वाद के अनुसार नमक। लौकी के अंदर इनको अच्छे से मिला देते हैं। बेसन है वो हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो बेसन का फ्लेवर ज़्यादा आएगा और लौकी का फ्लेवर कम, इसलिए हमें जितना हो सकेगा उतना कम ही बेसन यूज़ करना है। इसीलिए हमने लौकी को निचोड़ के लिया है। लौकी और बेसन है अच्छे से मिल गए हैं, तब हम अपने टमाटर प्याज देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये कम से कम इन्हें 10 से 15 मिनट लग गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं, ठंडा होगा तब हम इसे पीसेंगे। फ्राई पैन में तेल डाल दिया है और अब हम इसमें जो बेसन का हमने जो लौकी और बेसन का बैटर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और पानी में, पहले हाथ है वो पानी में भिगाएंगे, उसके बाद हम बेसन का घोल लेंगे ताकि बेसन है वो हाथों पे ज़्यादा चिपके ना और अच्छे से कोफ्ते की सेव आ जाए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो आप इन्हें पहले से तैयार करके रख सकते हैं, फिर इन्हें फटाफट तेल में डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने एक बार गर्म करके तेल को फिर मैंने लो कर दिया है। पानी में हाथ जरूर से डिप करना है, नहीं तो हाथ में ही पूरा बेसन है वो चिपक जाएगा और कोफ्ते की सेव वो अच्छी नहीं आएगी। सारे कोफ्ते इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इन पे अच्छा सा कलर आता है उलटते पलटते। कोफ्ते का एक बैच है वो फ्राई हो रहा है, अच्छा सा कलर आ रहा है, इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहो तो पहले कोफ्ते की बॉल्स बना के रख सकते हैं, फिर उन्हें फ्राई कर लें। ये देखिए, लौकी के कोफ्ते हैं वो बन गए हैं। टमाटर प्याज जो हमने भून के रखे थे वो हमने जार में डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी है वो कढ़ाई को धो के और वो इसी में डाल दिया है, ये देखिए, और इसे हम पीस लेते हैं। उसी कढ़ाई को हम फिर से गरम कर लेते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है ताकि फ्लेवर है वो थोड़ा और अच्छा आए। 1 पिंच हींग डाल देंगे, ग्रेट करके लहसुन डाल देंगे, हल्का सा लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसे फ्राई करना है। तेल में ही हम मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देते हैं ताकि सब्जी का कलर है वो और रिच हो जाए।
जो पेस्ट हमने पीस के तैयार किया है वो इसके अंदर मिला देते हैं। तेल के अंदर मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालने से ये देखिए सब्जी का कलर है वो कितना अच्छा आया है। बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे मसाले पहले से पकाए हुए हैं। धनिया पाउडर डाल देंगे, सेहत और स्वाद के अनुसार नमक, कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले हैं वो पहले से पके हुए हैं इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी जो हमने लौकी का निचोड़ा था वही हम जग में डाल के वही इसमें डाल रही हूँ मैं। ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी को पतला ही रखा है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दे रही हूँ और करी में उबाल आने देते हैं, ढक देते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके जाना। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए करी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें कोफ्ते हैं वो डाल देते हैं, मिला देते हैं इनको। और ढक के इनको छोड़ देते हैं ताकि कोफ्ते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे पकाएंगे नहीं, आप इसे रोटी पराठे के साथ या फिर चावल के साथ सर्व